हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। असम मिजोरम बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त तनाव है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद हिंसक झड़प में बदल चुकी है। बॉर्डर पर बसे गांव के लोगों ने आज एक दूसरे पर हमला किया। हालात को काबू करने गई पुलिस के 6 जवानों की मौत हो चुकी है। बिगड़ते हालात को देखकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दखल देने की अपील की। इस समय अब हालात सुधर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मिजोरम के गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा वाली जगहों पर अब सीआरपीएफ को तैनात किया गया है और हालात सामान्य हो रहे हैं। The entire development have been quite unfortunate. It all started with the Assam police aggression into the duty camps of CRPF and Mizoram police near wiring the auto rickshaw stand. With the intervention of the Union Home Minister, who spoke to both the chief ministers, Assam police have withdrawn from the place and the duty posts have been handed back to CRPF personnel. और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बहुत बड़ी इमरजेंसी है। 100 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं। पहाड़ पर जाने से क्यों मना किया जा रहा है, पूरी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।